हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एरिना ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 पोस्ट के रिगार्डिंग। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपका पीएसटी का एडमिट कार्ड सीआईएसएफ द्वारा आज रिलीज कर दिया गया है, जिसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको अपना एडमिट कार्ड किस तरीके से डाउनलोड करना है और जो एडमिट कार्ड की डेट आई उसमें आपकी पीएसटी प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम आपको मिला है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं ये भी बताऊंगा, बहुत सारे बच्चों को बहुत दूर दूर सेंटर मिला है, तो ये एडमिट कार्ड के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कितने किलोमीटर दूर आप लोगों का सेंटर गया हुआ है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दोस्तों अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपको 100% फ़ायदा होगा। यहाँ सारी अपडेट दी जाती हैं, चाहे वो आरआरबी से रिलेटेड हो, एसएससी से रिलेटेड हो या बैंक से रिलेटेड हो, सारी अपडेट दी जाती हैं। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 जून से आपके जो पीएसटी के एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको इनकी वेबसाइट पर जा करके www.ciesfrecc.in इसको आपको टाइप करना है गूगल पे। टाइप करने के बाद आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको जब क्लिक करेंगे तो आपका ये खुल के आ जाएगा अप्लाई पार्ट। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है और डालने के बाद सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे तो ये 3 पोर्शन में खुल के आएगा। आपने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए भरा है तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो एडमिट कार्ड को हिंदी में डाउनलोड कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो इंग्लिश में आप डाउनलोड करिए। आप एडमिट कार्ड जैसे डाउनलोड करेंगे आपके सामने एडमिट कार्ड ओपन होकर के आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा था, सर ये मेरा एडमिट कार्ड है और मुझे सेंटर काफ़ी दूर मिला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो इनका अगर एड्रेस की बात करें तो ये जो इनका उन्होंने कोड दिखाया है 201304, मतलब ये गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट का कोड है इनका, ठीक है। और इनका सेंटर की अगर हम बात करें, जो सेंटर गया है, सेंटर इनका गया है सीआईएसएफ यूनिट पनकी कानपुर में एक जगह है, वहाँ पर कानपुर नगर पनकी में इनका सेंटर गया हुआ है। पीएसटी डॉक्यूमेंटेशन डेट ऑफ पीएसटी इन्होंने बताया है 4 जुलाई 2019, मतलब अगर हम बात करें आज 1 जून है और इनका पीएसटी का टाइम जो बताया गया है 4 जुलाई, मतलब आप 1 मंथ प्लस कह लीजिए टाइम इनको दिया गया, जो कि बहुत टाइम है आपकी पीएसटी प्रिपरेशन के लिए। दोस्तों, मुझे याद है कि आपको पीएसटी के बारे में बताना है कि पीएसटी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या क्या क्या मेजरमेंट होना है, पूरा कंप्लीट आपको एक वीडियो बना करके मैं जल्द ही देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप लोगों के साथ ये एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखिए इसका अगर सेंटर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट था और उसका कैस्पॉन्डेंस गौतम बुद्ध नगर था और जो सेंटर दिया गया कानपुर दिया गया, तो नियर अबाउट 400+ किलोमीटर का इसको सेंटर दूर दिया गया। तो यही चीज़ आपको दिखानी थी कि सेंटर काफ़ी दूर दूर दिए गए हैं बहुत सारे बच्चों को, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि इतना ट्रेवलिंग में बहुत दिक्कत होती है, खर्चा भी बहुत होता है, ठीक है। दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए। दोस्तों, और मैं आपसे पक्का कहता हूँ कि मैं पीएसटी के रिगार्डिंग आपको एक अच्छी सी वीडियो बना के दूंगा, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।